पतंजलि के प्रोडक्ट्स हर घर के हिस्सा बन चुके हैं, सभी जमकर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे 14 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये प्रतिबंध पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े भ्रामक विज्ञापन के सिलसिले में लगाया गया है, और ये जानकारी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर एफिडेविट में दी है। अथॉरिटी के मुताबिक पतंजलि के 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर वाला, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी और एक्स्ट्रा पावर वाले जो मधुनाशिनी वटी है उसे बंद किया गया है, लीवामृत एडवांस, लीवो ग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप भी शामिल है। आपको बता दें कि बीते 23 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में अपनी माफी को प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं करने के लिए पतंजलि की खिंचाई की थी। अदालत ने पूछा भी था कि क्या पतंजलि द्वारा अखबारों में दी गई माफी का आकार उसके उत्पादों के लिए पूरे पेज के विज्ञापन के समान था, तो इसमें पतंजलि ने जवाब दिया था कि उसने 67 अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया है और कहा कि वो अदालत का पूरा सम्मान करता है और अपनी गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आपको याद होगा अखबारों में बड़े बड़े प्रकाशित माफीनामे कराए गए थे जो पिछले माफीनामे से काफी ज्यादा बड़े थे, और इससे पहले रामदेव बाबा और बालकृष्ण ने भी महामारी के दौरान कोरोनिल जैसे अपने उत्पादों की दक्षता के बारे में उच्च दावे करते हुए फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर शीर्ष अदालत के समक्ष बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी थी। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने नवंबर 2023 में इंडियन मेडिकल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान पतंजलि को अपने उत्पादों के विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों का इलाज करने का दावा किया था, और इसी को लेकर कार्रवाई की मांग की गई थी। आईएमए ने आधुनिक चिकित्सा की आलोचना करने पर रामदेव बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, और उसी पर यह पूरा मामला चल रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफी नामा छपवाने का आदेश दिया गया था, और उस आदेश के तहत आपने अखबारों में माफीनामा पढ़े थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो आगे कार्रवाई हो रही है और जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो उसमें 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के जिसे रोक दिया गया है। अगर अभी के वक्त में देखें तो मैक्सिमम लोग जो है पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे देश के हैं, आयुर्वेदिक हैं, हमारे लिए अच्छे हैं। लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 14 जिसे अभी बंद किया गया है। अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से आप इसे यूज करना बंद कर दीजिए, और आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।